अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत परेशानी की हालत में मैं बना रहा हूँ। मियाँ वाली के अंदर एक वाक्या पेश आता है जो सगा बाप अपने 7 दिन की बच्ची को कत्ल कर देता है, बेरहमी से कत्ल कर देता है। किस वजह से कत्ल करता है? वो इस वजह से कत्ल करता है कि मेरे यहाँ बेटी क्यों हुई है। उसको बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह ने उसके घर में रहमत दी है। मैं कहता हूँ कि वो खुश नसीब है जिसको अल्लाह रहमत देता है, लेकिन ये दरिंदा इंसान मैं कहता हूँ कि बदबख्त है जिसके यहाँ अल्लाह ने रहमत भेजी है, लेकिन इस दरिंदे इंसान ने उस रहमत को छोटी सी मासूम बच्ची को जो 7 दिन की है, इस बेशर्म बाप को शर्म नहीं आई, उस मासूम बच्ची को गोलियों से कत्ल कर दिया। 5 गोलियां उसके सीने में इस दरिंदे इंसान ने मारी हैं, 5 गोलियां। मासूम बच्ची का क्या कसूर था? और मैं कहता हूं कि अगर ये बच्ची से इतनी नफरत करता था, किसी को दे देता, किसी को गिफ्ट कर देता। इदारे हैं, ईदी फाउंडेशन है, दीगर इदारे हैं जो बच्चों को पालते हैं, जो बच्चों की परवरिश करते हैं, किसी ना किसी को अल्लाह के नाम पर दे देता। और अगर ये गैरतमंद इंसान होता तो ये बिस्तर की जीनत किसी की बच्ची को न बना। इस दरिंदे इंसान के लिए जो है आज मैं बहुत गुस्से में हूँ इस टाइम। तो नाजरीन, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बेटी एक रहमत है और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक जिसको चाहे बेटियाँ दे दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, वो मेरे अल्लाह के काम है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है सबको औलाद देने वाली, और बल्कि वो इंसान खुश नसीब है जिसको अल्लाह पाक औलाद से नवाजे। तो नाज़रीन, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।